एक नया टारगेट निकाला है, मतलब दो दो इंसेंटिव मिलेंगे अब हमें। पहले एक इंसेंटिव मिलता था, अब दो दो इंसेंटिव मिलेंगे। तो पर टारगेट आ रखा है ये ब्लिंक किट का, देख रहे हो। अब मैं इसका क्राइटेरिया बताता हूँ आपको। मतलब अगर हम 7 दिन में, एक हफ्ते में 118 ऑर्डर मार देते हैं तो हमें 750 रुपये ये अलग से देगा इंसेंटिव के तौर पे। ओके तो यार गाइस, अब 1 रुपये के लिए मेरे को वापस जाना पड़ रहा, देख रहे हो। इसने पता क्या करा, इसने दिमाग से खेला मेरे साथ। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैं निकल चुका हूँ अपनी ड्यूटी के लिए। और ये हफ्ता, एक ये नया हफ्ता है, आज मंडे का दिन है। तो भाई सबसे पहले जलाते हैं तेल और जाते हैं अपने स्टोर पे, देखते हैं ये हफ्ता कैसा जाता है हमारा। ठीक है गाइस, तो पूरी जांच पड़ताल करके बताएंगे आपको कि काम कैसा है आज का। तो चलो चक्कर लगा के आते हैं। चलो जी भाई, पहुंच चुके हैं अपने ब्लिंकिट के ऑफिस। बड़ी भीड़ है भाई, बड़ी भीड़ है इधर तो। सोमवार हो चाहे संडे हो, यहाँ भीड़ खत्म नहीं होती भाई। तो चलो मारते हैं स्कैन, बहुत ही बेहतरीन। हेलो गुड मॉर्निंग। चलो जी गाइस, 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5। फोटो मांग रहा है पहले। चलो जी गाइस, अभी हो गया सब कुछ, इसका क्राइटेरिया ये मार दिया स्कैन। और टाइम हो रहा है अभी 10 बज रहा है, देखते हैं आज का काम कैसा होता है। तो चलो वेट करते हैं। नहीं, कल 1500 रुपये का काम किया, वो TDS कट गया उसमें 50 रुपये, तो वो 1450 का हुआ बस। तो फिलहाल अभी वेट करते हैं गाइस, देखते हैं कितने बजे तक ऑर्डर बचता है। चलो तो लो जी गाइस, दिन का पहला ऑर्डर बच चुका है 10:22 पे। बाकी इसको कर देते हैं एक्सेप्ट, रीच कर दिया है। अभी उठाते हैं यहाँ से ऑर्डर, लेके जाना है डालन वाला। छोटा ऑर्डर बज रहा है भाई। तो क्या हाल चाल, अभी आ रहे क्या तुम भी? लग रहा है मेरे को भी। चलो भाई ये आ गया है अपना पहला ऑर्डर, बाकी इसको कर देते हैं पिकअप। चलो जी गाइस, पहुँच गए भाई पहले ऑर्डर की लोकेशन पे। बाकी कॉल कर लेते हैं कस्टमर को। यही क्या लग रहे, चकोतरे नींबू में आएंगे इतने बड़े बड़े? थैंक यू। तो लो जी गाइस, मार दिया डिलीवर, देखते हैं कितने रुपए देता है कंपनी हमें इसकी। 36 रुपये मिल रहे भाई आज तो, 1.8 किलोमीटर के। ठीक है, ठीक भी नहीं है। चलो चलते हैं फिर से स्टोर पे। मैं अभी यहीं पे खड़ा था ना वैसे। ओके अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू। हेलो, पेमेंट कौन दे रहा है? ओके है ना? हाँ जी। दो नगर भी। क्या करते हो? थैंक यू। तो लो जी गाइस, दोपहर के बज चुके हैं, 1:30 बज गया भाई दोपहर का। और मेरे को जाना है अपार्टमेंट में। यार ये कौन सी वाली बिल्डिंग है, इसमें तो मेरे को ब्लॉक ही समझ में नहीं आ रहे। एक ही बिल्डिंग में सी ब्लॉक भी है, ए ब्लॉक भी है और बी ब्लॉक भी है। 11th वाले फ्लोर पे जाना है मेरे को। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, खूब अंधेरा हो चुका है। चलो जी गाइस, पहुंच चुके हैं अपन 7th फ्लोर पे।
ओके थैंक यू। चलो जी गाइस, दे दिया मैंने कस्टमर को, डिलीवरी मार दिया है। बाकी अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देखो नया टारगेट आ रखा है ब्लिंकिट का, देख रहे हो। अब मैं इसका क्राइटेरिया बताता हूँ आपको, मतलब अगर हम 7 दिन में, 1 हफ्ते में 118 ऑर्डर मार देते हैं तो हमें 750 रुपये ये अलग से देगा इंसेंटिव के तौर पे। मतलब मंडे को हमें 750 रुपये मिल जाएंगे, और ये वाला इंसेंटिव अलग चल रहा है हमारा, ये अलग चलता है वो अलग चलेगा। अब लगा लो 300 रुपये डेली के और 750 रुपये हफ्ते का, तो मौज आ जाएगी भाई। और इसका क्राइटेरिया है सुबह 12 बजे, दिन के 12 बजे से रात के 10 बजे तक 8 घंटे देने हैं, तब जाके ये वाला टारगेट मिलेगा। इसमें ब्रेकफास्ट वाला भी है, ब्रेकफास्ट वाला दूसरा, इसमें ब्रेकफास्ट में भी है, पता नहीं क्या टारगेट है। सुबह 4 बजे से 9 बजे तक, फिर शाम को 5-6 बजे से रात के 11-12 बजे तक, जो भी है। ब्रेकफास्ट और डिनर का अलग है, पर ये मैंने बताया आपको डिनर और लंच का है। ये वाला सही है वैसे, 118 ऑर्डर हो तो जाने चाहिए भाई, बोले तो पर डे के हमारे वैसे भी 17-18 ऑर्डर तो हो ही जाते हैं, तो चलो कोई नहीं। चलो जी गाइस, आप नज़ारे देखो भाई, कितने सुहाने दिख रहे भाई नज़ारे ना, क्योंकि अभी हो रहा है टाइम 4:30 बज रहा है शायद, और इस टाइम, हाँ बिल्कुल भाई एग्जैक्ट, मैंने कसम से देखा नहीं टाइम पर एग्जैक्ट, क्योंकि भाई ये गोल्डन आवर्स का टाइम है। इस टाइम की जो धूप होती है ना एकदम भाई बहुत ही प्यारी निकलती है, देखा ना कितना प्यारा शहर दिख रहा भाई ये, मतलब शहर क्या गांव है छोटा सा, बीच में नदी है, पानी नहीं चल रहा इस टाइम पे भाई। गोल्डन आवर सबसे प्यारा टाइम लगता है इस टाइम। मेरी अर्निंग हो रही है 6 घंटे में 400 रुपये की अर्निंग हो रही है, अभी मेरे को 289 रुपये की अर्निंग और करनी है। बाकी भाई अपना जो देहरादून है ना वो धीरे धीरे ग्रो अप हो रहा है, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने में लग रहा है अब। ये देखो यहाँ पूरे टाइल वगैरह बिछा दिए है किनारे किनारे में फुटपाथ पे, बाकी रोड देखो कितनी प्यारी कर दी है। पर ये बीच में क्यों बिछाई है टाइल? अच्छा, वैदिक साधन आश्रम तपोवन। ओके, तो गाइस मौसम देख रहे हो आप कितना सेक्सी हो रहा है। अगर इसका मेरे पास फिल्टर होता ना, गोप्रो का फिल्टर, भाई इतना प्यारा दिखता ना भयंकर, बादल ही बादल, प्यारे से बादल हो रहे हैं छोटे 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 छोटे। बाकी मैं इधर ही आया था अपने घर की साइड, दिव्य विहार की साइड, अपने राजूनगर में ही पड़ता है ये भी, राजूनगर के अंदर बहुत सारे विहार पड़ते हैं भाई। तो मैं अभी घर तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को 200 रुपये का काम, 230 रुपये का काम और करना है 700 वाला लॉक तोड़ने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ पहले लॉक ही तोड़ देते हैं और तब जाएंगे आराम से घर, देखते हैं 900 वाला कितनी देर में टूटेगा, पहले 700 वाला टूट जाए, अगर टाइम से टूट जाता 700 वाला तो मैं 900 की तैयारी करूँगा। तो लो जी गाइस, 7 बज चुके हैं और भाई अंधेरा हो चुका है, 7:04 है, बाकी अंधेरा हो गया भाई। और मेरे पास ये ऑर्डर भेजा था अपार्टमेंट का, अब भाई आजकल अपार्टमेंट के ऑर्डर इतने आ रहे हैं ना मेरे, और अपार्टमेंट में बहुत टाइम वेस्ट होता है। पहले तो ये हेलमेट उतरवाएंगे। चलो भाई एंट्री कराते हैं और चलते हैं फिर ऊपर। अंकल नमस्कार। बढ़िया अंकल, 408 में जाना है मेरे को। ब्लिंकिट। हाँ तो लो जी गाइस पहुंच चुके भाई अपार्टमेंट में। आज तो अंकल ने हेलमेट पहन के ही बोल दिया कि जा जा रहे सीधा, ठंडा हो रहा मौसम। अंकल के साथ जान पहचान हो गई ना, डेली आना जाना, एक दिन में 2-2 चक्कर तो लग ही जाते हैं। बाकी 4th फ्लोर पे जाना है इसे लेके। अच्छा नीचे ये क्या लिफ्ट, ओह माय गुडनेस। बाकी ये वाइट वाला हुड ना इतना काला हो जाता है भयंकर धूप में,
धूल वगैरह। थैंक यू। चलो जी गाइस, डिलीवर मार दिया इसको मैंने, बाकी देखते हैं कितने रुपए देता है मेरे को। 33 रुपये। चलो ग्राउंड फ्लोर। बाकी भाई टोटल हो गया है मेरा काम 595, और अभी मेरे को चाहिए 105 रुपये। हाँ 105 रुपये का काम और चाहिए, बाकी 7 बज रहे हैं अभी। अगर 8 बजे तक टूट जाता है तो देखते हैं, कोशिश करते हैं 900 वाला ताला तोड़ने की, अगर यार ठंड में ना मन नहीं करता काम करने का। और तो चलो चलते हैं फिर। ओके थैंक यू। चलो जी गाइस, और तो मैंने दे दिया है, यहाँ से मार दिया है डिलीवर, अभी देखते हैं कितने रुपये मिलते हैं इस ऑर्डर के, क्या हमारा इसे मिला के 700 वाला ताला टूटता है या नहीं। तो भाई टूट चुका है अपना 700 वाला लॉक, ये चेक करो, 715 रुपये का काम हो गया है मेरा ऑर्डर अर्निंग में, और अभी 8 भी नहीं बजा है। तो भाई अभी तो भाई 900 वाला तोड़ के जाएगा मैं आज, क्योंकि मैंने बोला था 8 बजे से पहले अगर मेरा 700 वाला लॉक टूट जाता है तो भाई 900 वाले की तैयारी करनी है फिर। और अभी मेरे को चाहिए 185 रुपये का काम और करना है ना 900 वाले के लिए। तो चलो, इसके अलावा खाली खाली सा लग रहा देखो अपना स्टोर, क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 9, और भाई मेरे को भी अभी चाहिए कितने रुपए का काम, 827 रुपये की ऑर्डर रनिंग हो रही है मेरी, मेरे को अभी चाहिए 73 रुपये का काम, और 10 घंटे हो चुके हैं, 73 रुपये का काम हो जाएगा तो भाई मेरा हो जाएगा टोटल इंसेंटिव लगा के 1100, 11 घंटे में 1100। तो चलो यार वेट ही कर रहा हूँ अभी तो मैं ऑर्डरों का, देखते हैं कितनी देर में बसता है एक ही। चलो जी गाइस, ऑर्डर बच चुका है फाइनली मेरा 4.8 किलोमीटर का। भाई इसको छोड़ते छोड़ते हो जाएगा मेरा टाइम भी पूरा, टाइम तो क्या मतलब 73 रुपये का काम चाहिए था, इसे मिला के तो आराम से हो जाएगा। मैंने बोला था भाई इतना लंबा ऑर्डर पड़ जाए, और पड़ गया, उधर की साइड गई ऑर्डर पड़ा है, और ये मेरी बल्ले बल्ले हो गई भाई, टाइम से गड़ जाएंगे। तो भाई विदीश शर्मा के पास हमारा ऑर्डर है, 2 नमकीन के पैकेट लेके जाने हैं 20-20, 30-30 रुपये वाले। धन्यवाद तुम्हारा बहुत ही बहुत ही बहुत ही। चलो गाइस पिकअप कर दिया है, अभी एग्जैक्ट लोकेशन देख लेते हैं ट्री कैफे। ये है आप, हाँ वो है आपका क्या बोलते हैं, सैदरा क्रॉसिंग। अच्छा, वहाँ पे चूना भट्टा है ना, वहाँ पे स्टोर इनका, वहाँ से आप यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ ये है कितना, 4.5 किलोमीटर। ये है कि वही वाली बात हो रही है, अभी ये अपनी जेब से पैसा भर रहा है। हाँ ये है कि तेल तूल हटा के आराम से 800-900 रुपये निकल जाता है इसमें, कोई बुरा नहीं दोस्त, तभी तो कर रहे हैं इसको, बुरा नहीं, बट एक रात को सप्लाई। हाँ रात को बेकार है वैसे इसमें, रात को हर तरह के लोग होते हैं। सही बात है। चलो भैया ओके बिल्कुल भैया, थैंक यू। हाँ तो गाइस ऑर्डर मैंने मार दिया डिलीवर, उसके मेरे को मिले हैं 78 रुपये, कम मिले हैं 4.8 किलोमीटर के, बहुत कम पैसे मिले यार। तो खैर छोड़ो, मेरा काम हो गया ना, अबे अभी भी नहीं हुआ, माँ कसम यार 1 रुपये से रह गया मैं, गजब बेइज्जती है। अरे गाइस ये चेक करो यार आप, 1 रुपये से मेरा इंसेंटिव रह गया। तो यार गाइस अब 1 रुपये के लिए मेरे को वापस जाना पड़ रहा, देख रहे हो, इसने पता क्या करा, इसने दिमाग से खेला मेरे साथ। वैसे मिलने मेरे को इतने ही थे, इससे ज़्यादा ही मिलने थे मेरे को वैसे भी, क्योंकि 4.8 किलोमीटर था यार। इसने क्या किया, अरे दीदी वाह दीदी वाह। हाँ तो गाइस इसने क्या किया, जो 78 रुपये दिए ना उसमें से 6 रुपये इसने सर्जिक मिला के दिए, बताओ इतना हरामी हो रहा ना ये। मतलब मेरा जो पे आउट बनना था इस ऑर्डर का वो इतने घटा दिया और सर्ज मिला दिया उसके बदले, अब मैं रह गया बताओ यार। यार दिमाग खराब, वापस जाना पड़ रहा है 1 रुपये के लिए, बताओ 1 रुपये के लिए तो जाना ही पड़ेगा यार वापस, क्या कर सकते हैं, वरना इंसेंटिव मर जाएगा, ये तो गलत है यार। चलो जी गाइस ये आ गया भाई, पिकअप मार दिया इसको, चलते हैं अब। चलो जी गाइस ये उठा लिया मैंने ऑर्डर, छोड़ के आते हैं इसको फटाफट, मैंने सोचा घर की साइड बजा देगा तो ठीक है, पर इसने उल्टी साइड बजा दिया, पूरा उल्टी साइड। कहाँ जा रहे,
हिमांशु के नाम से ना। एक मिनट, फोटो मांग रहा है, दे दूँ है? ये कैमरा है भैया, ये ब्लॉगिंग वगैरह करता हूँ ना मैं। भाई इसके मेरे को मिले हैं 46 रुपये। तो भाई अब हुआ जाके मेरा देखो 942 रुपये का काम। अगर मैं 1100 वाला तोड़ने बैठा तो अभी गया 168 रुपये का काम, नहीं 158 रुपये का काम चाहिए होगा। पर नहीं, ज़्यादा लालच बुरी बला है, और टाइम से घर जाओ वो सही है ना। हाँ तो गाइस 970 मेरी टोटल अर्निंग हो चुकी है, 200 रुपये का इंसेंटिव ऐड हो जाएगा इसमें, बाकी फिर हो जाएंगे दोनों मिला के 1170 रुपये। भाई खुशी का ठिकाना नहीं। 9 2 11। और भाई मेरा तेल जो लगा है यार 270 रुपये का मेरा तेल लग गया है, 270 रुपये का मान के चलो भाई मेरा पूरा लग गया है तेल, 300 नहीं लगा है प्रॉपर, 270 का तेल लगा है। और जो मेरी बचत हुई है आज की 1170 में से 270 रुपये हटा दो, कितने बचते हैं? 9 2 11, मतलब 970 रुपये की मेरी आज की अर्निंग हुई है, तेल तुल हटा के 970 रुपये की मेरी कमाई हुई है जो मेरे पास सेफ हैं। तो भाई बढ़िया था, 11.5 घंटे बोला था ना मैंने कि भाई अगर 11-12 घंटे काम करोगे तो आराम से 900 वाला तो भाई टूट जाएगा, और 1100 वाला के लिए जाओगे तो भाई 14 घंटे चाहिए उसके लिए, 13 मिनिमम 14 मैक्सिमम। तो भाई यही था आज का हमारा काम, बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जाना, बाकी मिलते हैं आपको कल सुबह मॉर्निंग में, मंगलवार है कल, तो कल इतना काम रहता नहीं मंगलवार को, फिर भी आएंगे देखेंगे 900 वाला कोशिश करेंगे तोड़ने की। तो ओके बाय गाइस, गुड नाइट, लव यू, टेक केयर।